सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त बासित खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीकॉन व्लॉग्स। सो फ्रेंड, हम लोग आए हैं कुछ इस तरह की बारबर शॉप के अंदर। तो गाइस, एक्चुअली आज मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो देख सकते हैं यहाँ पे उसके लिए केक भी लाया है। मेरा जो फ्रेंड है उसका नाम है यासर, आज उसका बर्थडे हम लोग मना रहे हैं। तो देख सकते हैं बर्थडे बॉय भी आ गए हैं यहाँ पर, ये आज तो इसका बर्थडे मनाने के लिए, और भी हमारे बहुत से फ्रेंड लोग भी आ रहे हैं। तो अभी मनाएंगे बहुत ही खुशी के साथ अपने भाई का बर्थडे, तो फिर दिखाएंगे आगे जब केक कट होगा उसके आगे की वीडियो। तो गाइस, अब यहाँ पे हम लोग केक जो है वो कट करने लगे हैं। हैप्पी बर्थडे कोरोना भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर यासर, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइस, अब हम लोग थोड़ा सा केक लेने लगे हैं। ये देखो यार, मुन्ना क्या ड्रामे कर रहा है। मुन्ना भाई, क्या चाहते हो आप? मतलब बंदे का फेस बिगाड़ना चाहते हो आप, है ना? बिल्कुल। नहीं यार, बर्थडे या लड़के का यार, कम से कम कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये सब कुछ चलता है भाई, बिल्कुल। देखो, तो फाइनली गाइस, मैंने अपने बाइक को जो है निकाल लिया है भाई। अब मैं निकल चुका हूँ यहाँ से सुनकोट मार्केट की तरफ। तो आज सुबह सुबह का व्यू चेक करो गाइस, सुबह सुबह का व्यू कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा आज आप सभी को। एक्चुअली यार, आज सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, भयंकर सर्दी है भाई। आज आप सभी को भयंकर सर्दी देखने को ज़रूर मिलेगी। फ्रेंड, क्या ही बताऊं यार, इन दिनों का मौसम कुछ बहुत ही अजीब सा है। स्वेटर जैकेट्स जो है वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो क्या ही बोल सकते हैं भाई। इस बार मौसम का कुछ अजीब सा बिहेवियर है। तो आज भी बहुत ही ज़्यादा सर्दी है यार, बिल्कुल बारिश ऐसा लग रहा है जैसे कि ना बारिश बहुत ही जल्दी बरसने वाली है। तो इस टाइम मैंने स्वेटर भी पहनी हुई है यार, मैंने दो स्वेटर भी पहनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं क्या ही बताऊँ भाई, आज किस तरीके की सर्दी लग रही है मुझे, बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही है भाई। तो इस बार का मौसम कुछ अजीब सा है, कुछ समझ नहीं आ रही है, बट क्या ही कर सकते हैं गाइस, ये सारा निज़ाम अल्लाह ताला का है। तो देखते हैं कुछ दिनों के बाद, हो सकता है मौसम क्लियर हो जाए, लेकिन अभी तो बारिशों का सीज़न ही चल रहा है। तो फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं अपनी वही टूटी फूटी रोड पे। यहाँ पे एक हमारे भाई जो है मारुति 800 ड्राइव करते हुए, इन दो तीन दिन से मैं मारुति 800 लाया करता था, बट आज मैंने मारुति 800 जो है नहीं लाई है। आज मैं अपने बाइक और 3 टन को लेके आया हूँ 3 दिन के बाद। तो चलते हैं सुनकोट मार्केट की तरफ, देखते हैं सुनकोट मार्केट का व्यू कैसा होगा आज के दिन। गाड़ी लेते हैं यार, गाड़ी कोई भी नहीं है, मुझे अभी तक चाहिए। बाईपास नाके के पास यहाँ पे रहा पुलिस का नाका, देख सकते हैं पुलिस वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत से लोग जो है गाड़ी का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली पुणे से जो जम्मू की गाड़ी आती है ना, वो बाइक से गुजर सकती है। एक्चुअली यार, मेरे बाइक में फ्यूल कम है यार, काम करता हूँ मैं थोड़ा सा ना बाइक में फ्यूल ही करवा लेता हूँ, गुजर जाएगी यार।
भीड़ बहुत ही कम है यार, भीड़ बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो फीलिंग थोड़ी सी करवा लेता हूँ मैं यहाँ से। हाँ गाइस, मैंने अपने बाइक में फीलिंग जो है करवा ली है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने पेटीएम से पेमेंट करी है, तो उसकी वजह से मैं उस तरफ चला गया था दूसरी साइड। मेरे बाइक में एक्चुअली एक ही पॉइंट बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्या पता मुझे कुछ काम भी पड़ सकता है सिंगापुर मार्केट के अंदर, तो उसकी वजह से मैंने अपने बाइक के अंदर जो है फ्यूलिंग करवा ली थी। जस्ट अभी अभी मैंने अपने बाइक में फ्यूलिंग करवा के अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ भाई। देखो सामने देख सकते हैं आप, पता नहीं आपको दिख रहा होगा यार, पहाड़ों के ऊपर किस तरीके से बर्फ पड़ी हुई है, उसी की वजह से इतनी ज़्यादा भयंकर सर्दी देखने को मिली है। यहाँ पे भी पार्किंग बन गई है यार नीचे वाले साइड। फाइनल राइड में पहुँच चुका हूँ किसी तरह की लोकेशन पे, इस बार मुझे हाड़ी मिला पहुँच गया हूँ मैं। तो व्यू चेक करो यार, एक्चुअली मेरा वाइजर जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे वाइजर के अंदर फॉग जम जाती है यार। जब भी बारिश होती है तो मेरे वाइज़र जो है वो उसके अंदर फॉग चली जाती है, तो उसकी वजह से ना मुझे आगे बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूँ कुछ इस तरह की लोकेशन पे, यहाँ पे पार्क कर लेता हूँ मैं अपने बाइक को, यहाँ पे पार्क कर लेता हूँ मैं अपने बाइक को। तो फिलहाल मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप कि आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।